यक्षात्कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवात्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमेदम् श्रीदक्षिणामूर्तये ब्रह्मानन्दाभिलीला ललितलहरिका व्यञ्जिता सङ्ख्यविन्दु ब्रह्माण्डव्रातरोमा विभुत विधि विभुत्र्यक्ष विस्तार सीमा संविद भूमांशुमालोज्वल विमल रुचिध्वत माया विलास श्री पूर्णानंद तीर्थ मम मनसि मना आत्म भाव दत्ता ओम शांति शांति शांति। मनुष्य के हृदय में भक्ति स्वाभाविक है, वो कहीं से उधार लेने की नहीं, परंतु वो जो भक्ति है वो कहीं धन से हो गई है तो कहीं शरीर से हो गई है तो कहीं परिवार से हो गई है। अंतःकरण भक्ति शून्य नहीं हो सकता, अंतःकरण नितांत ज्ञान शून्य भी नहीं हो सकता और नितांत सत्ता शून्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि अंतःकरण में आत्म सत्ता की ही सत्ता है और आत्म ज्ञान का ही प्रकाश है और आत्मानंद की ही उसमें प्रियता है। इसलिए ऐसा कोई अंतःकरण जिसमें प्रियता की मनोवृत्ति न हो, प्यार न करता हो, ऐसा अंतःकरण हो ही नहीं सकता। तो ये प्रियता कहाँ जुड़ गई है इस पर आप ध्यान दें। आप यदि अपनी प्रियता, अपना प्रेम, प्रियता शब्द का जो अर्थ संस्कृत भाषा में है वही प्रेम शब्द का भी है। प्रियस्य भाव प्रियता, प्रियस्य भाव प्रेमा, प्रिय शब्द से भाव में प्रत्यय करने पर प्रियता शब्द भी बनता है और प्रेमा शब्द भी बनता है। संस्कृत में अधिकांश प्रेमा शब्द का प्रयोग करते हैं पुंलिंग। तो प्रेम तो आपका कहीं न कहीं है, अब आपने किसी ऐसे से प्रेम जोड़ लिया कि आपका अंतःकरण तो बना रहे और प्यारा न रहे, तो आपने क्या सामग्री जोड़ी अपने जीवन में? दुख जोड़ा, शोक जोड़ा, जानबूझ के अपने को आग की भट्टी में डाल दिया, क्योंकि आपका अंतःकरण तो बना रहेगा और आपका प्यारा बिछुड़ जाएगा और बिछुड़ जाएगा तो आप दुखी हो जाएंगे। एक सज्जन पर कोई देवता प्रसन्न हुआ, उसने कहा वर मांगो, तो उन सज्जन ने वर मांगा कि हमारी आयु 400 बरस तक की हो जाए। तो आयु तो उनकी 400 बरस तक की हो गई, परंतु उनके सामने ही उनके माँ बाप मरे सो तो मरे, भाई भी मर गए, पत्नी भी मर गई, बच्चे भी मर गए। वो बोले कि हे भगवान, ये तो हमसे बड़ी गलती हुई, हमने उम्र अपनी बड़ी क्या मांगी, हमारे जितने रिश्तेदार नातेदार थे उन सबके मरने की तकलीफ हमको भोगनी पड़ी। तो ऐसे वर को के वरूं जो जन्मे और मर जाए। वर वरिय गोपाल जू, मारो चुड़लो अमर हो जाए। अपना संबंध जोड़ना हो तो भगवान से जोड़ना, भक्ति करनी हो तो परमेश्वर की भक्ति करना।
क्योंकि परमेश्वर देशांतर में नहीं रहता और कालांतर में भी नहीं रहता। रहता है देशांतर में भी कालांतर में भी, परंतु वो अभी और यही उपलब्ध है, ये उसकी महिमा है। एक ने कहा कि पिछले त्रेता में, किसी त्रेता में रामावतार हुआ था। अब सोचो, यदि इसी त्रेता में रामावतार हुआ था ऐसा माने तो 5000 वर्ष से अधिक तो कलयुग के बीत चुके, और कोई 8,64,000 वर्ष द्वापर के बीत चुके, और उसके पहले कम से कम 9,00,000 वर्ष पहले काल की दृष्टि से रामावतार हुआ था। और यदि शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो इस चतुर्युगी के त्रेता में नहीं हुआ था कि ईसवी चतुर्युगी या 17वीं चतुर्युगी जिससे करोड़ों वर्ष बीत चुके हैं उनमें रामावतार हुआ। तो ऐतिहासिक दृष्टि से जो रामचंद्र इतने पिछड़ गए, अतीत की वस्तु हो गए, क्या उनसे प्रेम करके हम अपनी मनोवृत्ति को उतना पीछे खेल सकते हैं? तो नहीं, हमें अतीत के राम से प्रेम नहीं करना है। तो अच्छा, एक ने कहा कि भगवान राम साकेत लोक में रहते हैं। तो भाई कितनी दूर है साकेत लोक? तो पृथ्वी का 10 गुना जल है, जल का 10 गुना अग्नि है, अग्नि का 10 गुना वायु है, वायु का 10 गुना आकाश है, फिर भूत सूक्ष्म है, फिर तामस राजस वैकारिक अहंकार हैं, फिर महत्तत्व है, उसके बाद प्रकृति का आवरण है, और अप्राकृत लोक है साकेत, और वहां भगवान रामचंद्र विहार करते हैं। तो जैसे त्रेता युग का मानने पर राम बहुत अतीत के हो गए, देर के हो गए, उनके हुए बहुत देर हो गई, वैसे साकेत लोक के राम हमसे बहुत दूर रहते हैं। उनके पास पहुंचने में प्रकृति के आवरणों का भेदन करना पड़ता है, और उनको अपने पास बुलाने में उनकी करुणा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। परंतु ये भक्ति देवी ऐसी हैं जो अतीत में भगवान हुए इसका ध्यान नहीं रखते, और जो भगवान बहुत ऊपर हैं, दूर हैं, उनका भी ध्यान नहीं रखते। ये भक्ति देवता में तो ये सामर्थ्य है कि इसी समय और इसी स्थान में और हमारे हृदय में जो आकृति है उसी आकृति में रूप राशि नृप अजिर बिहारी नाचे ही निज प्रतिबिंब निहारी। राजा दशरथ के आंगन में रूप राशि लीला बिहारी भगवान श्री रामचंद्र मणिमय आंगन में अपना प्रतिबिंब देख देख कर नाच रहे हैं। तो ये कौन से राम हैं? तो ये तो आपके हृदय बिहारी राम हैं, और उनको आपके हृदय में लाकर किसने नचा दिया? तो ये भक्ति ने, प्रीति ने नचा दिया। तो ये जो भक्ति है ये राम को दूर से निकट लाती है, ये अतीत के राम को वर्तमान का बना देती है। नेता लोग, जो धर्मात्मा नेता थे पहले, वो कल्पना किया करते थे कि आगे राम राज्य आएगा। भगवान करे उनकी कल्पना पूरी हो, उस पर अपने को कोई आक्षेप नहीं,
परंतु पता नहीं अभी उस राम राज्य के आने में कितना विलंब है, हमारे जीवन काल में आवेगा कि नहीं आवेगा, हम उसको देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। कब तक इस कल्पना, इस स्वप्न की दुनिया में हम अपने को कब तक उलझाए रख सकते हैं कि आगे राम राज्य आने वाला है। तो भगवान को भूत में छोड़ना भी भक्ति सम्मत नहीं है, भविष्य में डालना भी भक्ति सम्मत नहीं है, और भगवान को किसी दूर के लोक में छोड़ देना भी भक्ति सम्मत नहीं है। भक्ति सम्मत तो ये है कि इसी समय, इसी स्थान में और इसी रूप में हम भगवान का दर्शन करें, नारायण का, शिव का, राम का, कृष्ण का, देवी का, निराकार का। इस दर्शन की प्रणाली क्या है? श्री रामानुजाचार्य महाराज का कहना है कि प्रीति पूर्व मनोध्यानम भक्ति रित्य ही धीयते। शरणागति लीजिए, शरणागति का ध्यान है ये। ध्यान भी अपनी अपनी साधन प्रक्रिया के अनुसार होता है, अपनी अपनी साधन प्रक्रिया। श्री रामानुजाचार्य महाराज कहते हैं कि भगवान का ध्यान नहीं होता, अनुध्यान होता है। स्मृति नहीं होती, अनुस्मृति होती है। श्री रामानुज संप्रदाय में अनुस्मृति नाम का एक छोटी सी पुस्तक है और भक्ति की व्याख्या करते हुए वे उसको अनुध्यान बोलते हैं। तो कहते हैं प्रीति पूर्वम अनुध्यानम भक्ति रित्य विधीयते। अनुध्यान करो भगवान का प्रेम से। अनुध्यान क्या है? तो भगवान हमारा ध्यान कर रहे हैं, हम उनके तन में हैं, स्थूल शरीर, ये स्थूल सृष्टि भगवान का स्थूल शरीर है और जीव सृष्टि भगवान का सूक्ष्म शरीर है। अचित भी भगवान का, जड़ भी भगवान का शरीर है और चित जीव भी भगवान का शरीर है और शरीरी हैं भगवान, वे शेषी हैं और जीव जगत भगवान के शेष हैं। माने ईश्वर के लिए ही ये जीव जगत दोनों हैं, वही इनका संचालन करते हैं, वे नियामक हैं, नियंता हैं और ये नियम में हैं, वे आश्रय हैं और ये आश्रित हैं, वे उपजीव्य हैं, ये उपजीवक हैं, वे भोक्ता हैं, ये भोग्य हैं, वे स्वामी हैं, ये सेवक हैं। तो जैसे एक स्वामी अपने सेवक का ख्याल रखता है, जैसे एक नियंता अपने नियम का ध्यान रखता है, जैसे एक आश्रय अपने आश्रित का ध्यान रखता है, ठीक इसी प्रकार जिसके लिए ये जीव जगत है वो प्रभु हमारा ध्यान रखता है, उसके अनुग्रह की, कृपा की, करुणा की वर्षा हमारे ऊपर होती रहती है। तो जब ये जीव उनके ध्यान का अनुध्यान करने लगता है, प्रभु हमको अपनी गोद में उठाए हुए हैं, प्रभु अपनी सांस से हमको सांस दे रहे हैं, प्रभु अपनी आंखों से हमको देख रहे हैं, प्रभु हमको जीवन दे रहे हैं, चेतना दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, जब प्रभु का करुणा पूर्ण वरदान, प्रभु का अनुग्रह जीव के ध्यान में आता है, तब उसको अनुध्यान कहते हैं। और उस अनुध्यान को देखकर जब जीव तृप्त होने लगता है, तो प्रेम पूर्वम, प्रीति पूर्वम अनुध्यानम भक्ति रित्य अधिधीयते। भक्ति माने क्या? भगवान जो हमारे ऊपर अपने ध्यान की, करुणा की वर्षा कर रहे हैं,
प्रेम से प्रीति से उसका अनुध्यान करना, माने हम उनके आनंद ज्ञान और सत्ता से ओतप्रोत हैं, उन्हीं की शरण में हैं, वही हमको जीवित रखते हैं, वही हमको नचाते हैं, वही हमको सुख देते हैं, वही अपनी गोद में रखते हैं। भगवान की अपार करुणा का स्मरण करके और तन्मय हो जाना, उमा राम सुभा उजह जाना, साहि भजन तजी भाव न आना, ये श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के मत में भक्ति है। भक्ति क्या है? प्रीति पूर्व अनुध्यान, माने वे जो प्रेम से हमारी रखवाली कर रहे हैं, उनकी उस करुणा को, उनके उस शील स्वभाव को, उनके उस अचिंत्य अनंत कल्याण गुण को, उनके औदार्य सौंदर्य माधुर्य कारुण्य वात्सल्य को स्मरण करके अपने आप को भूल जाना, इसका नाम भक्ति है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने भक्ति की व्याख्या दूसरे ढंग से की, उसमें वे कहते हैं कि केवल प्रेम से या केवल ध्यान से भक्ति पूरी नहीं होती। असल में भक्ति भगवान की हो तब पूरी होती है। तो भगवान की भक्ति कैसे होगी? वे कहते हैं कि महात्म्य ज्ञान होना आवश्यक है। महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिकः स्नेहो भक्तिरिति ख्यातः तया मुक्तिर नचान्यथा। महात्म का ज्ञान होना चाहिए। अभिन्न निमित्तोपादान कारण है जगत का परमेश्वर। आप देख लो, केवल निराकार जो है, जो कभी साकार होता ही नहीं, जिसमें साकार होने का सामर्थ्य ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है, वो तो दुनिया से कुछ न्यारा कुछ निराला ही होगा। ऐसे लोगों के सामने एक तो ये बात आई कि हफ्ते में एक आध दिन अपनी ओर से हाजिरी लिखा दिया करो। किसी ने कहा, भाई हफ्ते में एक दिन से काम नहीं चलेगा, बार बार रोज बार बार हाजिरी दिया करो, अपनी ओर से नमस्कार किया करो। किसी निराकारवादी ने कहा कि चरित्र शुद्ध रखो, इतने से ही वो खुश हो जाता है। पर ये सारी विश्वास की बातें हैं, वो हमारी प्रार्थना से कि हमारे नमस्कार से कि हमारी चरित्र शुद्धि से प्रसन्न हो रहा है, ये केवल हमें मन ही मन विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो नितांत निराकार है, उसमें साकार होने की कोई योग्यता कोई क्षमता ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है। तो ऐसे लोग यदि निराकार का ध्यान भी करने बैठेंगे, वैसे तो ईसाई मत में ध्यान नहीं है, ध्यान की प्रधानता नहीं है, प्रार्थना है, और इस्लाम धर्म में भी ध्यान नहीं है, नमस्कार है। उनके तीर्थ यात्रा भी है, ग्रंथ पाठ भी है, उपवास भी है, नमस्कार भी है, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनके यहां भी बहुत सारे उपाय हैं। परंतु जब ध्यान करने बैठेंगे तो कोई सकल सूरत बन जाएगी तो कुफ्र हो जाएगा, बोला वो तो अपराध हो जाएगा। तो अच्छा जी, ये हमारे वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में ईश्वर का जो स्वरूप माना गया है, हम सर्वधर्म सम्मेलनों में जाते हैं, बोला बहुत से पादरियों से मौलवियों से
और पारसी धर्म के दस्तूर जी से, सिख धर्म के ग्रंथी से, संत जी से हमारी बहुत जान पहचान है। केवल विश्वास करके निराकार का ध्यान कैसे होगा जो सदा सर्वदा परोक्ष रहता है, इसका समाधान किसी के पास नहीं है। इसका कारण यह है कि वे केवल जगत को बनाने वाला तो परमेश्वर को मानते हैं, परंतु जगत के रूप में वही बना है ये बात वे नहीं मानते। हमारे रामानुज, बल्लभ, निम्बार्क, मध्व, शंकराचार्य सब मानते हैं कि वो सिर्फ दुनिया को बनाने वाला नहीं है, दुनिया के रूप में भी वही है। वो साकार होकर के भी निर्विकार है और वो निराकार होकर भी साकार रूप में प्रकट होता है। इसी कारण सनातन धर्म में भगवान का ठीक ठीक ध्यान होता है। तो महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु का अर्थ क्या होता है कि जगत का कण कण भगवान का स्वरूप है। इसलिए राग द्वेष मत करो, पहले जगत में समता कर लो और उसके बाद भगवद रूप से संपूर्ण जगत के साथ ममता जोड़ो। ये वृंदावनियों की एक खास चीज है। वेदांती लोग कहते हैं कि ममता छोड़कर समता को अपनाओ, और वृंदावनी लोग कहते हैं कि पहले जगत में समता आ जाने दो और फिर भगवान से ममता करो। ममता छोड़ने के बाद समता है, ये लौकिक दृष्टिकोण है, और समता आने के बाद भगवान से ममता है, ये रसिकों का दृष्टिकोण है। वो कहते हैं बिना समत्व ममत्व न होई। वृंदावन के रसिकों का ये सिद्धांत है, बिना समत्व ममत्व न होई। पहले संसार में समता कर लो, जगत में समता कर लो और उसके बाद भगवान से ममता जोड़ लो। ज्ञान में समता है और प्रेम में ममता है। तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर सर्वसमर्थ है, सच्चिदानंद घन है, वही बनाता है और वही बनता है, उसके सिवाय कोई क्षण नहीं है, उसके सिवाय कोई कण नहीं है, उसके सिवाय कण के लिए कोई स्थान नहीं है। तो सर्वरूप वही है, स्त्री भी वही, पुरुष भी वही, पशु भी वही, पक्षी भी वही, एक साथ ही वो निराकार भी है साकार भी है। तो उसकी महिमा को समझो, वो सृष्टि का स्वामी भी है, सृष्टि का बाप भी है, सृष्टि में बेटा बन के भी आता है, पति बन के भी आता है, भाई बन के भी आता है। तो पहले उसके स्वरूप को समझो, उसके स्वभाव को समझो, उसके गुण को समझो, उसके महात्म्य को समझो और उसके रूप को समझो, लीला को समझो, उसकी सेवा को ठीक ठीक समझो कि उसकी सेवा कैसे होती है, उसके प्रताप को समझो, उसके तत्व को समझो, उसके रहस्य को समझो। पहले ईश्वर के बारे में समझदारी बना लो, तब जो तुम्हारी भक्ति होगी वो अटल होगी, अचल होगी, दृढ़ होगी। तो महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह। पहले भगवान की महिमा को समझकर उससे स्नेह करो। स्नेह भी कैसा हो उसके लिए दो बात बताई।
एक तो भगवान के प्रति स्नेह ऐसा होना चाहिए जो कभी टूटे नहीं, सुदृढ़। और दूसरी बात, स्नेह में क्या होनी चाहिए, सर्वतोधिकः, सबसे अधिक हो। ये श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की एक खास विशेष बात, सर्वतोधिकः। ये श्लोक तो पुराना है, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जी से भी पुराना है और पुराण का श्लोक है, पर इसको उन्होंने पकड़ा। वो कहते हैं कि संगस्तु सर्वथा त्याज्यः, सचेत त्यक्तुम न शक्यते, महद्भिः सह कर्तव्यः, संतः संगस्य भेषजाम। संसार में आसक्ति बिल्कुल छोड़ दो। पहले वाक्य का अर्थ यह है कि संगस्तु सर्वथा त्याज्यः, संसार में किसी से आसक्ति मत करो। परंतु यदि सर्वथा आसक्ति का परित्याग नहीं कर सकते तो क्यों? इसलिए कि संत संगस्य भेषजाम, ये जो सत्पुरुष हैं ये आसक्ति के महौषध हैं। इसके साथ ही उनका एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, गृहम सर्वात्मना त्याज्यम, सचेत त्यक्तुम न शक्यते, कृष्णार्थम तत्प्रयुञ्जीत कृष्णो नर्थस्य मोचकः। घर छोड़ दो। अरे भगवान, ये अच्छा बाबा जी आया सबको बाबा जी बनाने के लिए, तो बोले पूरी तरह छोड़ दो। कब माफ करो, हमसे नहीं छूटता है। ठीक बात, तुमने अपने दिल की कही, सच्ची कही, बहुत हम खुश हुए कि तुमको कोई भ्रम नहीं है। तो भाई हमसे नहीं छूटता है, कहां हम जा समझते हैं, नहीं छूटता है। तब कृष्णार्थम तत्प्रयुञ्जीत, अपने घर को कृष्ण के लिए प्रयुक्त कर दो, श्री कृष्ण की सेवा में लगा दो। तो इससे क्या होगा, कृष्णो नर्थस्य मोचकः, ये जो घर में अनर्थ है उससे श्री कृष्ण तुमको बचा लेंगे। ये श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का श्लोक है। इसका देखो, सुदृढ़ सर्वतोधिकः स्नेह, आप बच्चे से भी स्नेह कीजिए छुट्टी है, पत्नी से भी स्नेह कीजिए छुट्टी है, पति से स्नेह कीजिए, माता पिता से स्नेह कीजिए, भाई बंधु से स्नेह कीजिए। स्नेह माने हृदय की चिकनाई, स्नेह माने तेल, स्नेह माने घी, स्नेह माने मक्खन, स्नेह माने दूध, स्नेह माने दही। आपके हृदय में जो अमृत भरा हुआ है वो सबको दीजिए, बांटिए। परंतु सबसे अधिक स्नेह भगवान से कीजिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, सजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। सजो पिता प्रहलाद, विभीषण बांधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंस ब्रज बनितनि, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम सो मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो, आजन कहा अंजन कहा, आँख जही फूटे बहुतक कहो कहां लो। तुलसी सो सब भाति परम प्रिय, सुहृद प्राण से प्यारो, जाते होई स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। जाके प्रिय न राम वैदेही, सजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जो राष्ट्र के प्रेमी होते हैं वो राष्ट्रद्रोही पुत्र का परित्याग कर देते हैं। ये तो दुनिया में देखने में आता है। एक स्त्री का ऐसा प्रेमी हुआ जिसने स्त्री के लिए साम्राज्य का परित्याग कर दिया। तो हम भगवत प्रेमी हों और भगवत प्रेम में बाधा डालने वाली कोई वस्तु आवे तो भगवान से इतना प्रेम होना चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए कि संसार की कोई वस्तु उस प्रेम में बाधा न डाल सके। स्नेहो भक्ति रतिक्षाता।
स्नेह का नाम भक्ति है। स्नेह माने कहते हैं कि जो बिखरी हुई वस्तुओं को पिंडीकृत कर दे उसका नाम स्नेह होता है। स्नेह एक गुण है और वो पिंडी भाव का हेतु है। माने दो चार छह आठ बालुका के कण बिखरे हुए हैं और जरा सी कोई चिकनी चीज मिलाई और वो सब अलग अलग बिखरे हुए कण एक साथ जुड़ गए, बंध गए। और हमारे गांव में कोई हलवाई हलवाई नहीं था, हो पहले तो शक्कर खाने का मन हुआ तो थोड़ा उसमें घी मिलाया, घी मिलाने के बाद वो पेड़ा बन जाता। घी मिलाया और वो शक्कर के जो दाने हैं वो मिलकर पेड़े बन गए। तो स्नेह किसको कहेंगे? उस घी को स्नेह कहेंगे जिसने शक्कर के बिखरे हुए दानों को मिलाकर एक कर दिया। तो स्नेह माने क्या? स्नेह माने जो हमको भगवान के साथ चिपका दे, भगवान अलग हम अलग, और दोनों को एक साथ जोड़ने वाली वस्तु कौन सी है? तो बोले वो स्नेह है। तो यही भगवान के साथ जोड़ने वाला जो स्नेह है, दृढ़ हो स्नेह, सबसे अधिक हो स्नेह और भगवान की महिमा को समझकर हो स्नेह, तो इसका नाम होता है भक्ति। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि संसाराशक्ति से छुड़ाने वाली अगर कोई वस्तु है तो यही भक्ति है। इस भक्ति से ही हम संसाराशक्ति से छूट सकते हैं। स्नेहो तया मुक्तिर्न चान्यथा, पहले भक्ति की परिभाषा बना दी, उसके बाद भक्ति का फल बताया, संसाराशक्ति से मुक्ति। अभी देखो ये रही भगवान की भक्ति। तो भगवान का ध्यान कैसे हो? प्रेम पूर्वक। नाम का ध्यान, काम का ध्यान, रूप का ध्यान, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये नाम है। और धाम क्या है? वृंदावन, गोकुल, अवध, काशी, ये सब धाम। रूप क्या है? यशोदोत्संग लालित, यशोदा मैया अपने गोद में लेके खिला रहे हैं। मुरली मनोहर, सीता अंबर धारी, श्याम सुंदर, ये रूप है। और लीला क्या है? गोपी जन बल्लभ, रास बिहारी, ये लीला है। और भगवान का कर्म क्या है? गोवर्धन धारी, ये कर्म है। गोवर्धन धारण कर्म क्यों है? ये तो ये लोगों की भलाई के लिए है। और रासलीला किस लिए है? लोगों के आनंद के लिए है। आनंद के लिए लीला है और हित के लिए, उपकार के लिए चरित्र है। ये भगवान का ध्यान किया जाता है। हो और भगवान के गुण क्या हैं? तो जहर पिलाने के लिए पूतना आई, भगवान ने कहा अच्छा देखो, जहर पिलाने वाली पूतना को माता की गति। गोस्वामी जी ने लिखा है, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाई, मातु की गति दई ताही, कृपालु जादव राय। अच्छा, माता की गति तो दे दी पूतना को, अब गायों के थन में मुंह लगा के दूध पीते हो उनको, तो उन्हें तो अपने आप को दे देंगे। तो अच्छा, गोपियां अपने छाती से लगा के दूध पिलाती हैं उनको, तो उनके परिवार सहित उनको अपने आप का दान कर देंगे, उनके पूरे परिवार को दे देंगे। तो अच्छा जी, जसोदा मैया को क्या दोगे? अब तो भगवान भी इधर उधर देखने लगे। बोले भाई देखो, जसोदा मैया को किसी तराजू के पलड़े पर मत बैठाओ, उसको तो सर्वोच्च सिंहासन पर बैठे रहने दो। उसको किसी गोपी, किसी गाय,
की तुलना में मत रखो, वो तो सर्वोच्च है। ये भगवान का गुण है, हो गुण है कि जहर पिलाने के लिए पूतना आई, उन्होंने कहा वो अपना गुण लेकर आई है तो हम अपना गुण लेकर उससे मिलेंगे। और ये गुण है अहो बकी यम स्तन काल कूटम, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाए दप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। संतों को जो गति मिलती है वो गति जहर अपने दूध में मिलाकर लाने वाली पूतना को। भगवान का स्वभाव कितना कोमल है, भगवान का स्वभाव। भगवान कहते हैं कि हमारे मन में एक बाण चुभ गया है, एतद् हृदय प्ररूढ़म में, मेरे हृदय में ये बाण चुभ गया है। हृदया नाप सरपति शल्यम एतत् प्ररूढ़म में, हृदया नाप सरपति मेरे हृदय में एक ऐसा बाण चुभ गया है जो मेरे कलेजे से निकलता नहीं। तो हे कृष्ण, आपके हृदय में ये कहां से बाण चुभ गया? तो ये तभी से चुभा हुआ है, यद गोविंदे इति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम। मैं उस समय इंद्रप्रस्थ में नहीं था, हस्तिनापुर में नहीं था, मैं द्वारका में था और द्रौपदी को अपनी रक्षा करने के लिए मुझे जोर से पुकारना पड़ा कि हे द्वारकावासी कृष्ण मेरी रक्षा करने के लिए आओ। ये जो तकलीफ उठानी पड़ी द्रौपदी को, वो उसकी सीधा शल्यमेतत् प्ररूढ़म में हृदया नाप सरपति, ये बाण मेरे हृदय में चुभ गया और वो निकाले नहीं निकलता है कि हाय हाय द्रौपदी को मुझे इतनी दूर से पुकारना पड़ा। ये है भगवान का स्वभाव, भगवान का ये है स्वभाव। तो भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान का नाम जो है वो हमको लेना पड़ता है और कभी कभी लेने में छूट जाता है, परंतु धाम ऐसी चीज है जो हमको नहीं देना पड़ता, धाम हमको ले लेता है। हम अपनी जीभ से नाम लें तब न हमारी जीभ पर रहेगा, और धाम में तो हमारा शरीर छूट जाए तो माटी माटी में मिल जाएगी, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमारे स्मरण के बिना भी धाम अपनी गोद में समो लेता है। रूप तो स्वयं भगवान है और गुण ऐसे हैं भगवान के, अचिंत्य अनंत कल्याण, स्वभाव उनका ऐसा शील कोमल है, लीला उनकी ऐसी मधुर मनोहर है और सेवा, आपने माँ बाप की सेवा की हो कि नहीं, गुरु की सेवा की हो कि नहीं, पति पत्नी की सेवा की हो कि नहीं, पर अपने शरीर की तो रोज सेवा करते हैं ना, बड़े बड़े साधु लोग भी हो, घंटों उनका अपने शरीर की सेवा में व्यतीत होता है, व्यायाम करने में बीता है, तेल लगाने में बीतता है, सफाई करने में बीतता है, सेवा अपने शरीर की होती है, भगवान की नहीं होती है। हमारे आचार्यों ने कहा कि नहीं, अपनी सेवा भी भगवान को लगाओ, भगवान के सिर में कभी तेल लगाओ, उनके बालों में कंघी करो, बढ़िया बढ़िया कपड़ा सी के उनको पहनाओ, उत्तम पकवान बनाकर उनको खिलाओ, सेवा भगवान की सेवा करो। सेवा इससे तुरंत सेवा का भाव आते ही आपके हृदय में परमानंद का उदय होगा। हमारे भक्ति के आचार्य तो कहते हैं
कि ब्रह्मानंद में शांति का आनंद है और भज सेवा में भजनानंद है और ये भजनानंद ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ है। आओ आपको दर्शन कराएं भगवान। नयन लाभ सब सादर लें, गोस्वामी जी का स्मरण होगा। गोपियों ने कहा अक्षणवताम फलमिदम, आंख वालों को जो आंख मिली है वो आंख मिलने का फल ये है। इस सांवरे रूप को देखो। रुक्मिणी ने कहा रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम, लाभ शब्द का प्रयोग किया। जितने आंख वाले हैं दुनिया में उनको आंख दुनिया देखने के लिए नहीं मिली है, भगवान का दर्शन करने के लिए मिली है। ब्रह्मज्ञान होने से तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य अखंडार्थ भी सफल हो जाती है। ध्यान करने से मन सफल हो जाता है, परंतु इंद्रियां क्या संसार को देखने के लिए बनी है? बोले आओ आओ हम इन इंद्रियों को भी सफल बनावें। राम ही सिर सेंदूर दई, मिथिलापुरी में विदेह जनक के महल में विवाह के मंडप में अग्नि के सम्मुख श्री रामचंद्र भगवान सीता जी के काले काले बालों के बीच में जो मांग बनी है उसमें सिंदूर डाल रहे हैं और नयन लाभ सब सादर ले। अब देखो सादर और जोड़ दिया। ये नहीं है कि ललित भावना से कोई उस दृश्य को देखे। आहा, बड़ा प्रिय प्रसंग है, बड़ा मधुर प्रसंग है, बड़े मीठे पाहुन हैं और सीता जी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं और देखने वाले दोनों पक्ष के अयोध्या के और जनक के दोनों पक्ष के लोग देख रहे हैं। यही आंखों का लाभ है, नयन लाभ है ये। परंतु ललित भावना किसी के मन में नहीं है, सादर ले हैं। ये गावन यह चरित तुम्हारे, ये गोस्वामी जी संभालते हैं, सब आदर के साथ नेत्रों का लाभ लेते हैं। अब एक दृश्य देखो, वहां क्या उत्प्रेक्षा है, उत्कृष्ट काव्य का रूप। अरुण पराग जलज भरि नीके, सिंह दुख अहि लोभ अनीके। कहो तो हम बड़े बड़े कवियों का नाम लेके सुनाने आप, जो जिनकी कविता केवल लाक्षणिक पद्धति के कारण लोक में समादृत हो गई है। लाक्षणिक पद्धति माने शब्दों के वाक्यों के मुख्यार्थ का वाच्यार्थ का परित्याग करके तत्संबंधी अन्य अर्थ का प्रतिपादन करने के कारण केवल जहत लक्षणामूलक अर्थ का प्रतिपादन करने के कारण बड़े बड़े कवियों का आदर दुनिया में बढ़ गया है। परंतु गोस्वामी जी की इस सूत्रेक्षा पर तो ध्यान दीजिए। अरुण पराग जलज भरी नीचे, एक कमल है, हथेली कमल है, उसमें लाल रंग का पराग है और सीता जी का मुख चंद्रमा है और हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ भुजदंड रामचंद्र के सर्पाकार हैं और वे अमृत के लोभ से मानो चंद्रमा का श्रृंगार कर रहा है।
मानो कहने से उत्प्रेक्षा स्पष्ट हो गई। मन्नी संस्कृत में बोलते हैं मन्नी। अरुण पराग दर्शन कर लो भाई, नयन लाभ सब सादर ले। क्यों आपको ये काव्य कला की एक उत्कृष्ट परिणति नहीं मालूम पड़ती? अरुण पराग जलज भर नीचे, तसिंह भूख अहि लोभ अमीजे। श्री जानकी जी के स्वरूप का जब वर्णन करते समय लक्ष्मी की उपमा देने का प्रसंग आया, वहां तो राम को ही देखकर रमा और रमापति दोनों बेहोश हो जाते हैं। हरि हित सहित हय हित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। रामचंद्र ने जब घोड़े पर बैठ के घोड़े को संभाला तो रमा समेत रमापति मोहे। पहले से लक्ष्मीपति तैयारी करके आए थे कि हमारे साथ रमा रहेंगी, तो रमा को देखकर हम अपने को संभाले रखेंगे, बेहोश तो नहीं होंगे। रमा को लेके आए थे, पर महाराज विष्णु भगवान बोले कि देखो हम हयग्रीव अवतार लेकर वेदों की रक्षा तो कर चुके हैं और बड़ा भारी काम दुनिया में कर चुके हैं, परंतु हाय हाय हम वेदों की रक्षा करके हयग्रीव रह गए, राम का घोड़ा बनने का हमको सौभाग्य नहीं मिला। रमा समेत रमापति मोहे। श्रीमती जी भी बेहोश हो गईं और श्रीमान भी बेहोश हो गए, परंतु सीता जी की तुलना करने के लिए दुनिया में ढूंढा किसको जाए। आओ लक्ष्मी के साथ सीता जी के रूप की तुलना करें, क्योंकि वही स्त्री हैं। सौंदर्य की मृदुलता की अधिष्ठात्री देवता स्वामिनी है। संसार में जितना सौंदर्य है और जितनी कोमलता है, मृदिमा है, सब लक्ष्मी जी ने बांटी है दुनिया को। कहो तो कहें कि लक्ष्मी जी श्री जानकी जी के समान हैं तो नहीं। और लक्ष्मी जी तो समुद्र से निकली हैं और तो भी अमृत के समुद्र से, दूध के समुद्र से निकली हैं। ठीक है, दूध के समुद्र से निकली हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है भी, गोरी स्वर्ण वर्णा है। परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, दूध के समुद्र से निकली हुई लक्ष्मी के साथ हम तुलना नहीं कर सकते। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई, शोभा रजु मंदर सिंगारू, मथई पानी पंकज निज मारू। यही विधि उपजई लक्ष्य जब, सुंदरता सुखमूल, तदपि संकोच समेत कवि कहहिं कीय समतूल। छवि सुधा का, दूध का आप समुद्र तो दूर छोड़ो, दूध का समुद्र पयोनिधि तो दूर छोड़ो, सुधा का हो। कसुधा भी वो नहीं जो पयोनिधि के मंथन से पैदा हुई, छवि सुधा हो। सौंदर्यामृत का समुद्र हो, और कच्छप चाहिए मंथन के लिए, बोले कच्छप चाहिए, लेकिन वो कच्छप नहीं, वो तो सुंदर नहीं था, उसके तो हाथ पांव ठीक नहीं, मुंह ठीक नहीं, पीठ बड़ी कठोर है। तो परम रूप में कच्छप सोई, भगवान विष्णु भगवान कच्छप बने, कछुआ तो वही हो लेकिन जरा सुंदर हो के आ रहे। तो रस्सी, बोले बासुकी की रस्सी से काम नहीं चलेगा, वो तो सांप है।
तो शोभा की रस्सी बनाई जाए, तो मंदराचल चाहिए, बोले वो पहाड़ नहीं, तो तब का श्रृंगार रस का मंदराचल हो, श्रृंगार का मंदराचल हो। तो मंथन कौन करे, देवता दैत्य का नहीं, मथई पानी पंकज निज मारू, कामदेव स्वयं अपने कर कमलों से मंथन करे, यही विधि उपजई लक्ष्य जग। क्या कोई गोस्वामी जी की कविता की तुलना आप किससे करते हैं, यही विधि उपजई लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल तदपि। अच्छा अब तो सीता जी के बराबर बोलो कि नहीं, तदपि संकोच समेत कवि कहीं सी समतूल। सभी कवि लोग बड़े संकोच के साथ, बड़े संकोच के साथ कहेंगे कि ये सीता जी की बराबरी कर सकती हैं, कहने में बड़ा संकोच है, नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह हुआ नहीं कर सकते। हम कवियों का नाम नहीं लेते, परंतु आप सोचो लक्ष्मण जी सीता रामचंद्र की सेवा करते हैं और उनको सीता राम की याद नहीं रहती है, पहरा देते हैं रामचंद्र का, पहरा देते हैं सीता का और उनको सीता राम की याद नहीं रहती है, वो अयोध्या में रहने वाली अपनी पत्नी की याद में तन्मय हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने भक्ति प्रेम का चित्रण ठीक किया है, लक्ष्मण के भक्ति प्रेम का ठीक ठीक निरूपण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है या उन लोगों ने किया है जो सीताराम की सेवा में संलग्न लक्ष्मण को उर्मिला के लिए रुला दिया है। वो मानवीय भावना का चित्रण हुआ, ये ठीक है, परंतु लक्ष्मण के दिव्य प्रेम का चित्रण क्या इस प्रकार से किया जा सकता है कि वे सीताराम जी की सेवा करें और अपनी स्त्री के लिए रोते रोते रात व्यतीत करें? तो गोस्वामी जी के भाव में जो उत्कर्ष है, उनकी रचना में जो उत्कर्ष है, जो काव्य की पराकाष्ठा है, काव्य रस की, भाव की पराकाष्ठा है, भक्ति प्रेम की पराकाष्ठा है, वो क्या आपको साधारण प्राकृत कवियों की रचना में क्या उसकी गंध भी